हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सिल्वर देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड की सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि गोल्ड इज ए येलो सॉफ्ट मेटल। येलो कलर की सॉफ्ट मेटल होती है, नरम मेटल होती है। इट इज मोस्ट डक्टाइल एंड मैलिएबल। अब जितनी भी मेटल्स हैं ना सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, ये सबसे ज्यादा डक्टाइल और मैलिएबल है। अब डक्टाइल क्या होती है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको जैसे बताया था कि डक्टाइल होता है ऐसा सब्सटेंस जिसको आप इजीली एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी शक्ल तब्दील कर सकते हैं। एंड मैलिएबल, मैलिएबल कैसे सब्सटेंस होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकती हैं, जिसको आप बगैर तोड़े, जो बगैर टूटे डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट हो सकता है, उसको आप क्या बोलते हैं, मैलिएबल बोलते हैं। सो जो गोल्ड होता है, गोल्ड जो मेटल है वो मोस्ट डक्टाइल एंड मैलिएबल है। गोल्ड के डक्टाइल और मैलिएबल होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है ना, ठीक है, और अगर आप उसको वायर में कन्वर्ट करें, मींस कि उसको पतली सी वायर बनाएं उसकी खींच कर, ठीक है, सो वो 1.5 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है 1 ग्राम गोल्ड से, ठीक है। सो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोल्ड जो है वो कितनी डक्टाइल और मैलिएबल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इट इज अनरिएक्टिव और इनर्ट मेटल। अनरिएक्टिव है या इनर्ट, एक ही बात है कि ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती। सो इस वजह से आप कहते हैं कि गोल्ड जो है वो अनरिएक्टिव या इनर्ट मेटल है। एंड इट इज ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। के एटमॉस्फेयर जैसा भी हो, जितना भी ज़्यादा मॉइस्चर हो, वो इस गोल्ड को अफेक्ट नहीं करता। बेशक एसिड हो या बेस हो, सो इस तरह के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी गोल्ड को अफेक्ट नहीं करते। अब अगर हम बात करें इसके यूजेस की, सो गोल्ड इज एन ऑर्नामेंटल मेटल। के गोल्ड के क्या बनते हैं, जेवरात बनते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस, क्योंकि इसको एटमॉस्फेयर भी अफेक्ट नहीं करता। सो इस वजह से ये ड्यूरेबल है, पायदार है टूवर्ड एनी एटमॉस्फेयर। सो इस वजह से आप इसको एज एन ऑर्नामेंटल मेटल के तौर पे यूज करते हैं, इसके जेवरात बनाते हैं। और क्या काम है इसका, इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग क्वाइंस। क्वाइंस बनाने के लिए भी आप इसको यूज करते हैं। इट इज टू सॉफ्ट, सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज अलॉयड with copper, silver or any other metal. अब इसके सॉफ्ट होने की वजह से इसको प्योर फॉर्म में आप यूज नहीं करते, बहुत कम यूज करते हैं। सो इस वजह से इसके आप एलॉय यूज करते हैं। किसके साथ, कॉपर, सिल्वर या किसी भी दूसरी मेटल के साथ गोल्ड का जो एलॉय होता है उसको आप यूज़ करते हैं। अब एलॉय मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ
कि एलॉय क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स फिजिकली कंबाइन होती हैं, नॉट केमिकली, या मेटल के साथ कोई नॉन मेटल भी हो सकती है, जैसे कार्बन। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे स्टील है, स्टील का जो एलॉय होता है वो आयरन और कार्बन से मिलकर बना हुआ होता है। आयरन 99% होती है और कार्बन 1% होती है। और ये जो एलॉयज होते हैं ये अपने उन एलिमेंट्स जिनसे ये बने हुए होते हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रांग और पायदार होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, इस वजह से हम एलॉयज यूज़ करते हैं। ठीक, सो इस तरह से आपने देख लिए गोल्ड की प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।